भगवान गणेश की पूजा से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है, उसके बाद ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा होती है। भगवान गणेश को गजानन, एकाक्षर, विघ्नहर्ता और एक दंत के अलावा और भी कई नामों से बुलाया जाता है। गणपति का नाम एक दंत कैसे पड़ा और इसके पीछे क्या कहानी है, आज हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि इसके पीछे भगवान परशुराम हैं, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशु पराक्रम का प्रतीक होता है और राम सत्य और सनातन का पर्याय है। इस प्रकार परशुराम का अर्थ पराक्रम के कारक और सत्य के धारक हुआ। पुराणों में इन दोनों देवताओं के बीच युद्ध का प्रसंग आया है। आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण था कि भगवान गणेश और परशुराम के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन इस कथा को जानने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और बोलें ओम गण गणपते नमः और जय श्री राम। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने ईष्ट भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए कैलाश पर गए थे। वहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे और साथ ही वो माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान कर दरवाजे पर खड़ा कर दिया और साथ ही साथ यह उपदेश दिया कि किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। भगवान परशुराम कैलाश पर पहुंचकर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए सीधे कैलाश द्वार पर प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी श्रृंग आदि शिव गणों से उनकी भेंट हुई और परशुराम जी ने उनसे शिव जी के बारे में पूछा कि इस समय वे कहाँ हैं। इस पर नंदी जी ने कहा कि इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है कि महादेव कहाँ पर हैं। इस पर परशुराम जी ने नंदी आदि शिवगणों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ हैं, ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक ही नहीं हो। परशुराम जी ने शिवगणों पर क्रोध किया और खुद महादेव को ढूंढने कैलाश में प्रवेश कर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शंकर नहीं मिले। अंत में उन्हें एक घर दिखाई दिया जिसके द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। भगवान परशुराम उस बालक के पास पहुंचे और वहीं से द्वार में प्रवेश करने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। इस पर परशुराम जी ने कहा, तुम कौन हो जो इस तरह मुझे यहाँ पर रोकने का प्रयास कर रहे हो। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कौन हैं जो इस प्रकार अंतःपुर में बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं। इतने में नंदी आदि शिवगण वहाँ पर आ गए और परशुराम जी को बताया कि ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश हैं। साथ ही उन्होंने गणेश जी से कहा कि ये परशुधारी भगवान शिव के भक्त परशुराम हैं। परशुराम जी ने कहा कि ये विचित्र बालक जिसका मुंह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है। तभी गणेश जी ने परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन आपके हाथों में कमंडल की जगह यह परशु क्यों है। और इस प्रकार दोनों में बहस होती रही, जिसके बाद भगवान परशुराम महादेव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। इतने में गणेश जी ने महादेव के दिए त्रिशूल को परशुराम जी के सामने कर उन्हें युद्ध के लिए सावधान किया। उधर भगवान परशुराम ने अपना परशु तान कर चुनौती स्वीकार की, जिसके पश्चात इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। भगवान परशुराम के हर प्रहार को गणेश जी निष्फल करते गए। अंततः क्रोध के वशीभूत भगवान परशुराम ने गणेश पर महादेव से प्राप्त परशु से ही वार कर दिया और गणेश जी ने महादेव से मिले परशु का आदर किया, जिसके बाद परशु के प्रहार से गणेश जी का एक दंत टूट गया और पीड़ा से वे कर्रा उठे। पुत्र की पीड़ा सुन माता पार्वती आईं और गणेश जी को इस अवस्था में देख परशुराम पर क्रोधित होकर दुर्गा के स्वरूप में आ गईं। यह देख परशुराम समझ गए कि उनसे भयंकर भूल हुई है, जिसके बाद भगवान परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा याचना कर गणेश जी की विनम्रता की सराहना की, जिसके बाद भगवान परशुराम ने गणेश को अपना समस्त तेज बल कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया। और इस प्रकार भगवान गणेश की शिक्षा नारायण के अवतार गुरु परशुराम के आशीष से ही सहज हो गई। कालांतर में उन्होंने इसी टूटे दंत से महर्षि वेदव्यास से उच्चारित महाभारत कथा का लेखन किया। भगवान गणेश के एक दंत विग्रह का पूजन वंदन स्मरण गणेश उत्सव के दौरान चौथे दिन अर्थात भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को करना विशेष फलदायी होता है। तो ये थी गणेश जी के एक दंत कहलाने की कथा। प्रभु की लीला अपरंपार है। गणेश जी एक दंत को रह गए, परंतु उन्हें परशुराम जैसे गुरु मिले। उन्हें भगवान विष्णु जी से कई वरदान भी मिले। यदि हमारा मन साफ है और उसके पीछे के नियत में कोई खोट नहीं है तो अवश्य हमें उसका अच्छा फल प्राप्त होता है, जैसे कि भगवान गणेश को हुआ था। प्रभु की ऐसी और अनोखी कथाएं हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही भक्ति से जुड़े रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं। और एक बार जाने से पहले गणेश जी की आरती सुनिए, जिससे आपके जीवन में जो भी विघ्न हो वो दूर हो जाएं। तो हमारे साथ भगवान गणेश का स्मरण करते हुए गाएं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक तन दयावंत चार भुजा धारी, माथे सिंदूर सोहे मुसकी सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, पांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सुर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुत कारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गण गणपते नमः।